हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारा कटिंग से कैसे कटिंग से कैसे हम प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आज है 10th of July। तो बारिशें, जैसे कि आपको पता ही है, फ्लड जैसी कंडीशन बनी हुई है हिमाचल में, पंजाब में और हरियाणा के कई पार्ट्स में, तो पंचकुला में भी आज थर्ड डे है। बिल्कुल रेगुलर, क्या कहना, कोई 10 मिनट के लिए बारिश रुकी हो, अदरवाइज नहीं। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन इस टाइम में प्लांट्स जो कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं वो बहुत ही ईजिली रूटिंग कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी भी रूटिंग होती है और सक्सेस रेट भी काफ़ी मिलते हैं। तो ये जो प्यारा सा प्लांट है, हाँ बेटे, हाँ रुक जाओ 10 मिनट। तो ये है एलमंडा का प्लांट, ठीक है, आप लोग चले जाओ। तो ये कटिंग, मेरे कहने का मतलब ये था कि कल से काटी हुई है मैंने, और देख रहे हैं कितनी फ्रेश है, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना देखिए डाउन जा रहा है ना, इतनी ह्यूमिड है मतलब कि हवा। और ये वाला जो फ्लावर है कल नहीं खिला था, ये आज ही खिल गया, जैसे ही अपने आप ही कली खिल गई है। और वैसे पड़े तो इंडोर में है, लेकिन फिर भी धूप तो निकल ही नहीं रही है, अगर बाहर भी होते तो ये जो कलियाँ हैं ये भी खिलेंगी इसकी। तो एलमेंडा की आप कटिंग्स ज़रूर लगा सकते हैं। मोस्टली प्लांट्स की मतलब कि कोई एक आध प्लांट होगा जो नहीं चलेगा, चाहे वो कैक्टस की वैरायटी के हों, चाहे वो अडेनियम हों, चाहे कुछ भी। इस सीज़न में, जैसे कहते हैं ना, सावन में हर चीज़ में जान आ जाती है, नई जान, तो पत्तियों में, टहनियों में, है ना, नई नई मतलब कि शूट्स निकलती हैं, रूट्स भी बन जाती हैं। तो इसको चाहे आप वाटर में प्रोपोगेट कर लो, चाहे आप सोइल में कर लो। तो ये जी एलमंडा के बाद मैं और दिखा रही हूँ जो कटिंग्स हैं, चाहे अब जैक्सट्रोफा हो, चाहे मतलब कोई भी प्लांट हो यार, कोई भी, आप कहीं भी कटिंग, और ज़रूरी नहीं कि आपके पार्क में, आपके गार्डन में ही हो, चाहे आप पब्लिक पार्क से ले लीजिए। इवन कि इतना तूफान चल रहा है रोड साइड, गुलमोहर कितनी कटिंग्स कटी हुई हैं, तो उनकी पता क्या बेस्ट पार्ट है, गुलमोहर की अगर बड़े ट्रंक वाली अगर हमें कटिंग मिलती है ना, उसकी बुनजाई बहुत इजीली बनती है, बहुत जल्दी बनती है। और ऐसा नहीं है कि अगर मोटी हम उसकी टहनी लेंगे, मोटा ट्रंक वाली लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मतलब कि कम से कम 2 इंच की हम ले सकते हैं उसकी टहनी, इतनी मोटी भी लेंगे तो वो रूटिंग कर लेगी अपनी, और उसकी बुनजाई बहुत जल्दी बनेगी, क्योंकि एक वो वेल स्टेबल प्लांट होता है, उसमें इतनी ताकत होती है, वो इधर उधर गिरता नहीं है, और आप छोटा सा उसको ट्री की शेप बहुत जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी मिलें, चाहे वो नीम है, चाहे कुछ भी, अगर आपको लगे कि आपने एक बुनजाई की शेप देनी है, चाहे वो फाइकस है, बहुत सारी हमारे पास ही पार्क था, वहाँ पे फाइकस की इतनी बड़ी बड़ी मतलब कि टहनियाँ टूटी हुई थी, तो उन्होंने साइड पर लगी हुई थी, तो बहुत सारे लोग जो गार्डन लवर्स हैं, जिनको इतनी नॉलेज है कि हाँ हम इसका बुनजाई बना सकते हैं, कटिंग तो वैसे अगर आपने प्लांट लगाना हो तो छोटी भी चल जाएगी, तो वो लेके जा रहे थे। तो ये देखिए क्रिसेंथमम, गुलदाउदी, जो कि विंटर सीज़न के, सर्दियों के प्लांट हैं, उनकी कटिंग्स भी लग जाएंगी, जुलाई में भी लगती हैं, सितंबर में भी लगती हैं, अक्टूबर नवंबर, मतलब कि अब से ये लगने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि फ्लावरिंग तो नहीं देंगी अभी, फ्लावरिंग तो जो इसका टाइम आएगा पीक टाइम, जब ठंड का, तब देंगी, लेकिन आपके पास कटिंग्स बन जाएंगी बहुत सारी, और आप इन्हीं प्लांट से और कटिंग्स ले लोगे, जैसे पीछे भी पड़े हैं, इवन कि साल भी है इस बार, इतनी बारिश हुई है, लेकिन डायरेक्ट बारिश में नहीं है, डायरेक्ट बारिश में कोई भी सर्दियों वाला प्लांट, अगर आपका चाहे डायंथस है, चाहे वो डायंथस के अलावा, चाहे वो प्लांट आपका क्या कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, जरबरा, जरीनियम, और ये कार्नेशन तो वैसे ज़्यादा नहीं चलता, डायंथस चलता रहता है, साल भी हो गया और याद नहीं आ रहा, गजानिया, ये वाले प्लांट्स अगर आपके डायरेक्ट सन में, बारिश में आते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई वो शेल्टर है, रूफ है, कुछ भी, तो फिर वो नहीं ख़राब होते हैं। तो सालवियों के साथ ऐसे ही है, मेरा वो शेड में पड़ा था, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ना वो उसको धूप लगी है डायरेक्ट, और ना ही उसको बारिशें लगी हैं, तो बिल्कुल सेटल है वो प्लांट, तो उसी से कटिंग्स लेके मैं थोड़ी सी और ग्रो कर लूँगी। तो ये देखिए, ये है एक्सोरा के भी कल भी फ्लावर्स खिले थे, येलो कलर का है, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, पिंक वाला ही बड़े प्यारा होता है, तो येलो शेड का एक्सोरा है, ये भी कटिंग्स कल की काटी हुई हैं, ये कटिंग्स आज की हैं, ये सारी कल की हैं। तो ये देखिए
वेरीगेटेड, उसका प्लांट जैस्मिन का प्लांट, सिंगल पेटल, ये देखिए जैस्मिन का। और ये मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट प्लांट, ये है पैशन फ्लावर राखी बेल, जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारे क्या मतलब कुछ 4-5 कलर आते हैं, तो दूसरे कलर्स की भी कटिंग्स लगाई हुई हैं। जा रहे हो जगह बंद कर दो ना, मच्छर जाएगा यार अंदर, चाकू बंद कर। और आप रू इसमें भी फ्लावर्स आते हैं, ये गले में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लिया था, वो मैंगो से हो गया, मैंगो थोड़ा सा खट्टा होगा शायद, तो ये ना होती है वो ब्लू वायलेट कहते हैं, पता नहीं ब्लू कुछ ऐसे, इसके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी अच्छी सी, इसका बुश भी बन जाती है और इसकी वो भी बन जाती है, बेल भी बन जाती है। कुछ नहीं हो रहा है, चल तू। और ये देखिए, ये है जैथ्रोफा का प्लांट, इसके नाम में भी और भी होंगे मुझे नहीं पता, ये वाले प्लांट्स पहले भी हैं और भी जितने हों उतने कम, तो इसकी लीव्स एक और तरह की भी होती हैं, तो वो भी प्यारी लगती हैं, लेकिन कलर ज़्यादातर इसमें यही आता है। इधर जो है ये है टिकोमा की ऑरेंज कलर की वाइन्स, ये देखिए ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, और ये मुझे लग रहा है ब्रश फ्लावर पाउडर, पाउडर पफ, हाँ पाउडर पफ के हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स, कटिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा हुई पड़ी हैं, चलो थोड़ी सी अरेंज करके फिर इनके साथ के साथ नाम बता दूंगी। और बुनजाई बनाने का भी ये बेस्ट टाइम है, बड़ी बड़ी कटिंग्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ पे हैं प्लांट्स, कोई कटिंग लोगे तो कोई ऐसा कोई इशू भी नहीं है, इवन कि पार्क्स में भी, पब्लिक पार्क्स में बहुत सारी कटिंग वो करते हैं, मैनेज करते हैं ना अपने फ्लावर्स को मेंटेन करने के लिए, तो बहुत सारी कटिंग्स करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कटिंग्स उनके पास होती, तो माली वो कुछ नहीं कहते हैं, तो आपको बल्कि सजेस्ट ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो फेंकनी होती हैं, तो आप ला सकते हैं वहाँ से, तो आपके आसपास भी पार्क्स में सारे कोई छटाई वगैरह कर रहे होंगे, क्योंकि अभी एकदम से ग्रोथ बढ़ती है, तो करते हैं सारे बहुत जल्दी जल्दी, जैसे किसी की टोपियरी कैनेपी बनानी होती है किसी प्लांट्स की, तो वो बड़ी छोटी सारे उसमें स्टेम्स मिल जाती हैं, फाइकस की अब बना सकते हैं। मुझे पर्सनली गुलमोहर की बहुत अच्छी लगती है बोनसाई, तो बस क्या बताऊँ, रोड साइड पे था तो हस्बैंड ने मुझे ले नहीं दी, वो बात ये है, अगर मैं अकेली होती तो मैं ज़रूर वो कटिंग ले लेती, क्योंकि वो तो वैसे भी मतलब कि कूड़े में जानी थी, तो मुझे था उसमें एक जान आ जाएगी, मेरे घर में बाहर आ जाएगी, मेरा भी शौक पूरा कि हाँ मैंने गुलमोहर की बोनसाई बना ली, बाहर से लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, और ख़ुद की गाइस बात ये होती है कि जैसे मैं ये कह रही हूँ कि ये वाले प्लांट मेरे पास हैं, चाहे मैं गिफ्ट कर दूं बाद में, चाहे मेरे पास इतनी जगह ना हो, लेकिन जो खुद के हाथों से ग्रो करने का एक खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। जैसे कि चंपा की बात बताती हैं, चंपा के बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको ग्रो करती रहती हूँ, अच्छा लगता है। बस टिकोमा के मेरे पास सारे कलर्स हैं, येलो, पिंक, ऑरेंज, फिर भी बस होता है कि नहीं, और ड्रेसिना के इतने प्लांट्स हैं, क्रोटोन के इतने हैं, फिर भी बस वो एक गार्डनर का तो वही शौक है ना, जितने भी हों वही कम। तो लेकिन कुछ फेवरेट होते हैं, एलमंडा वाइन मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही बड़े बड़े इसके फ्लावर्स आते हैं, और ब्रह्म कमल, कृष्ण कमल, ब्रह्म कमल भी इजीली लग जाते हैं, लेकिन वो मिलेंगे नहीं आपको कहीं, वो आपको नर्सरी से ही लेने पड़ेंगे गाइस। कृष्ण कमल की बेल आपको मिल सकती है पार्क्स में, और क्या बताऊँ, हाँ जैसे बालसम वगैरह है तो उनके सीड्स बहुत इधर उधर, प्लांट्स जैसे कि पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो उनके सीड पोर्ट्स बन जाते हैं, तो वहाँ से आप अगर सीड्स भी लेंगे तो उसके लिए भी कोई आपको मना बिल्कुल नहीं करेगा। कई लोग बहुत डरते होते हैं कि वहाँ पे माली होंगे, ये वो कुछ नहीं कहते, मतलब कि आप खुद भी, आप मुझे पता है जब हम लास्ट हफ्ते 10 दिन की पहले की बात है, तो माली ने खुद कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपकी ये वेस्टेज है तो आप बता दीजिए, तो उन्होंने खुद मुझे इतना गाइड किया, सीड्स दिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई शौकिया तौर पे कर रहा है, क्योंकि इतने वहाँ पे पब्लिक होती है तो सारे तो उनसे कटिंग्स नहीं मांग रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कटिंग प्लांट्स लगे हुए हैं लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट करना है इन पर, तो उन्होंने मतलब कि दिए, सीड्स भी दिए,
और सारा कुछ बताया भी, जो हमें नहीं इतना पता होता वो भी उन्होंने बताया कि क्रिसेंथेमम की आप अभी से भी कटिंग्स लगा लोगे। वो कह रहे हम तो लेट लगाएंगे, क्योंकि उनका एक हिसाब होता है पूरा, है ना। वो कह रहे हम तो लेट लगाएंगे, लेकिन आप गुलदाउदी की अगर बारिशों में बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो आप उनकी छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं, अगर आपके पास काफ़ी जगह है तो। अगर जगह ही कम है फिर तो जितने 5-10 प्लांट्स हैं वो ठीक है बस। तो क्या क्या खाद वगैरह, पानी वगैरह, इवन कि मैं खाद वगैरह अपने प्लांट्स को पर्सनली मैंने बताया आपको, मेरा ओपिनियन है कि मैं बहुत कम देती हूँ, बस एक एनवायरनमेंट ऐसा उनको बना देती हूँ धूप छाया का, पॉट का, कभी पॉट छोटा ना पड़े, पूरा फुल स्पेस मिले उन्हें ग्रोथ की, पानी का एक पूरा हिसाब से मैं चलती हूँ, मतलब कि एक मतलब पानी, पॉट और सन और हवादार जगह, ये 3-4 चीज़ों को पूरा जब हम पूरा अच्छे से ध्यान देते हैं इन चीज़ों की तरफ तो प्लांट्स नहीं ख़राब होते। हाँ, थोड़े टाइम पहले हिबिसिकस की वजह से मेरे प्लांट्स में थोड़ी मिलीबग का अटैक हो गया था, उसके अलावा कोई कीड़े मकोड़े कभी नहीं आए हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने नीम ऑयल का स्प्रे एक बार किया, अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा है, ज़रूरत नहीं पड़ी है। रोज़ ही देखती रहती हूँ कुछ भी कहीं पर हो, तो जैसे खलीफा प्लांट हुआ, हिबिसिकस हुआ, तो इनमें थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम, तो वो पत्तियाँ काट दो बस। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है, क्योंकि नीम ऑयल भी कहीं ना कहीं उनको, चाहे वो ऑर्गेनिक वे है, कई बार उसका प्रोपोर्शन कम ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं कई बार। अगर हम थोड़ा सा पत्तियों पुत्तियों पे कई बार हो जाता है ज़्यादा, तो कोई प्लांट इतने नाजुक होते हैं तो एक आधा प्लांट उससे मतलब कि चल बसता है। तो मैं इन चीज़ों को पर्सनली अवॉइड करती हूँ और देखते हैं जो लगाते हैं। कटिंग्स अरेंज करने में भी 1 घंटा लग जाएगा मुझे, तो गाइस फिर या तो कटिंग्स पूरी अरेंज करके या फिर लगा के, तो जैसे जैसे लगाऊंगी और जो भी इनकी कितने दिनों में रूटिंग होगी, आज है 10th of July, तो 5-7 दिन में आपको मैं इनका रिज़ल्ट दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक भी कर लीजिए, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, अपने अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जाके ज़रूर क्लिक कीजिए। और जल्दी मिलेंगे हम और वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।